चाट मेरी ना फेवरेट चीज है, क्योंकि इन्ने सारे फ्लेवर आते हैं तो सारे फ्लेवर डाइजेशन लिए बहुत वधिया ने। तुसी ब्लैक सॉल्ट वेख लो डाइजेशन लिए वधिया, जीरा वेख लो डाइजेशन लिए वधिया, अजवाइन वेख लो डाइजेशन लिए वधिया, ते चाट सब तो वड्डी गल बहुत ही लाइट जी हुंदी है। ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, सत श्री अकाल, क्या है आपके हाल, मैं हूँ जसप्रीत आपका होस्ट एंड दोस्त, और आज हम बनाएंगे पालक पत्ता चाट, और पालक पत्ता चाट के साथ हम बनाएंगे सौंठ की चटनी और हरी चटनी। तो शुरू करते हैं सौंठ और इमली की चटनी से। तो उसके लिए पैन गरम कर लेंगे और पैन में डाल देंगे ये इमली। मैंने इमली को भिगो रखा था, ये 100 ग्राम इमली है, और उसको ओवरनाइट पानी में भिगो रखा था। अब इसका कुछ ऐसा सा हाल हो गया, अब इसको पैन में डाल देंगे। पैन में सोकिंग वाटर के साथ ही डालना है। अब इमली के साथ और पानी, वैसे हमने सोकिंग वाटर डाल दिया था, बट सिंस हमने अभी पतला घोल बनाना है तो पानी ज़्यादा जाएगा। और साथ ही डाल देंगे गुड़। अब मैंने गुड़ लिया है, आप चाहें चीनी ले सकते हैं, आप चाहें आधा खजूर और आधी चीनी, या आधा खजूर आधा गुड़ ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, टोटली योर विश। मुझे गुड़ का टेस्ट ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने गुड़ लिया है। बाकी अगर आप चीनी वाली सौंठ ट्राई करते हैं ना हमेशा, तो गुड़ वाली करके देखिए, लाजवाब। अब गुड़ डाल देंगे। अब 100 ग्राम इमली के लिए लगभग 250 से 300 ग्राम गुड़। अगर आपको मीठा ज्यादा पसंद है तो 300 ग्राम डाल लीजिए, अगर थोड़ा कम पसंद है तो 250 ग्राम डाल लीजिए। मैंने डाला है लगभग 280 से 90 ग्राम, ठीक है जी। अब हरी चटनी का भी काम शुरू करते हैं, इसको आने देते हैं बॉयल, गुड़ को मेल्ट होने देते हैं, उसके बाद इस पे नजर डालेंगे। हरी चटनी के लिए एक जार ले लेते हैं, और जार में डालते हैं पुदीना, ये आधा कप पुदीना, साथ में एक कप धनिया, 3 से 4 हरी मिर्चें। हरी मिर्चों के बाद थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, जीरा पाउडर, सॉल्ट। ध्यान रखें आपने ब्लैक सॉल्ट भी डाला है तो सॉल्ट उसी हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं आप। दही, ये दही आपकी चटनी का रंग उभारेगी और इसको एक कंसिस्टेंसी दे देगी। अब थोड़ा सा अदरक, मैं अदरक फाइनली चॉप करके इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि अदरक ना फाइनली चॉप करके डालें तो अच्छी तरह ब्लेंड हो जाता है। अब इसको ब्लेंड करेंगे 2 से 3 बारी घूंगू। वैसे तो चटनी डन है, बट आपने देखा होगा कि चाट वालों के पास ना चटनी थोड़ी पतली होती है, तो हम वैसे ही करेंगे, पानी डाल लेंगे और इसको पतला कर लेंगे। ये पानी डालने से पहले प्रॉपरली ब्लेंड करना बहुत जरूरी है, अगर आप प्रॉपरली ब्लेंड नहीं करेंगे ना तो रेशे रेशे से आएंगे जो कि आपको पसंद नहीं आएंगे, इसीलिए पहले पूरा पेस्ट बना लें उसके बाद पानी डाल के पीस लें दोबारा से। ये पतली पतली चटनी बन चुकी है, अब इसको निकाल लेते हैं एक बाउल में और अपनी सौंठ वाली चटनी को एक बार देख लेते हैं। अब जैसे जैसे पानी गर्म हो रहा है, गुड़ मेल्ट हो रहा है और इमली डिजोल्व होने लग रही है। अभी फॉर द टाइम बीइंग हमने इसको नहीं छेड़ना, छोड़ देते हैं, हम अपने पालक पत्ता चाट के जो पालक पत्ता है उस पे काम करते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूं। अब जैसे ये पालक पत्ता है, इसको आपने अच्छी तरह साफ कर लेना, और स्टेम यहां तक रखनी है, मतलब ज्यादा लंबी रखनी नहीं है आपने, स्टेम अच्छी तरह साफ कर लेना कम से कम 4 से 5 बारी, क्योंकि मिट्टी बहुत होती है और मिट्टी ना आपके मुंह में आएगी जब आप बनाएंगे पालक पत्ता चाट। तो पालक पत्ता चाट बनाने के लिए हमें एक बैटर बनाना पड़ेगा, और बैटर के लिए एक बड़ा बाउल। अब हम इसमें बेसन डालेंगे। अब आपने जो बैटर बनाना है वो थोड़ी कोटिंग कंसिस्टेंसी का बनाना है, इसीलिए मैं आपको सारी चीजें पहले बता देता हूँ। सबसे पहले ना हम चाट की स्पेशल चीज डाल लेते हैं। अब बेसन डाल दिया है, हम डालेंगे पीली मिर्च, ये होता है मजेदार। मतलब पीली मिर्च ना एक्चुअली थोड़ी सी ज्यादा तीखी होती है और अलग टाइप का तीखापन होता है इसका, जो चाट में यूज होती है ना वो पीली मिर्च ही यूज होती है। इसके साथ थोड़ा सा चाट मसाला, ब्लैक सॉल्ट बिल्कुल, थोड़ा सा हींग का पानी,
थोड़ी सी अजवाइन। अब अजवाइन बेसन के साथ बहुत जरूरी है, इसीलिए अजवाइन डाल रहे हैं, और थोड़ी सी हल्दी, बिल्कुल थोड़ी सी रंग सुधारने के लिए, लास्ट में थोड़ा सा जीरा एंड सॉल्ट। बीच बीच में इस पे भी नजर मारते रहें, जैसे ही आपका गुड़ डिसॉल्व हो जाए और उसके बाद जब बॉयल आएगा ना, तब हम इसको छान लेंगे, पतले पतले में छान लेंगे, वरना फिर बाद में ना आधी चीजें छन्नी में रह जाती हैं और आधी ही चीज मिलती है, इसीलिए पतले पतले में छान लेंगे हम। अब बैटर बना लेते हैं पालक पत्ता चाट के लिए। अब मैंने ना बहुत लोगों को देखा है ये बैटर में कॉर्न स्टार्च डालते हुए, कॉर्न फ्लावर डालते हुए, मुझे तो पर्सनली अच्छा नहीं लगता। बैटर थोड़ा ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता है, मतलब फ्राई करने के बाद थोड़ा ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता है, बट मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता। मुझे बेसन का ही फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, बेसन ही सारी ट्रिक कर देगा, क्रिस्पी भी कर देगा इसको। तो ये बैटर डन है। अब ये देखिए, मैं आपको ना कंसिस्टेंसी दिखा देता हूँ, ये कोट कर रहे ना, और थोड़ा थिक भी है और वापस भी नहीं आ रहा, मतलब आपका बैटर डन है। अब बैटर को थोड़ी देर रेस्ट करने देंगे, लगभग 5 से 10 मिनट, और मीनवाइल हम अपनी चटनी छान लेते हैं एक बारी। अभी इस टाइम पे जितनी मेहनत कर लोगे वो लाभदायक होगी, क्योंकि ये जो पल्प है ना, ये ही सारा टेस्ट है। ये पल्प आप स्ट्रेन कर लोगे तो बहुत बढ़िया सा आपकी चटनी बन जाएगी। तो ये मैक्सिमम जितना स्क्रेप हो सकता था हो गया है, मैंने सारा स्क्रेप कर लिया, सारा पल्प निकाल लिया इमली का, और मतलब कि सारा फ्लेवर निकाल लिया मैंने। अब यार हमें चटनी चाहिए तो फ्लेवरफुल तो होनी चाहिए ना। स्क्रेप करने के बाद जो छन्नी में बचा है ना, वो डिस्कार्ड कर देंगे, और ये वाटर इनटू द पैन अगेन। अब इसको फिर से बॉइलिंग पे रख देंगे। अब इस चटनी में हम फ्लेवर्स डालेंगे। फ्लेवर्स डालने के लिए सबसे पहले जीरा रोस्टेड, साथ में सौंफ, सौंठ जो कि बहुत जरूरी है, सॉल्ट, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट एंड लाल मिर्ची पाउडर। लाल मिर्ची पाउडर आपने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लेना है, क्योंकि वो रंग भी दे देगा और हीट भी दे देगा। अब ये सब मसाले डालने के बाद मिक्स, और इसको पकने दें, रिड्यूस होने दें। अब इसमें गुड़ है, जैसे जैसे वो पकेगा रिड्यूस होएगा और गाढ़ा करेगा। अब ये बाउल रखते हैं साइड में, चटनी का काम होने देंगे, और हम फ्राई कर लेंगे अपने पालक पत्ता। तेल मैंने गर्म कर लिया था। ये बैटर डन है, और पालक पत्ता रख लेते हैं, डिप कर करके डालते रहेंगे फ्राई करने के लिए। ऐसे ही सारे कर लेंगे, ऐसे हर एक पत्ते को कोट कर लें, और उसके बाद फ्राई करके निकालते रहें। ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाएंगे, तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ऐसे फ्राई करके निकालते रहें। स्टार्टिंग में जब आप निकालेंगे आपको लगेगा सॉगी हो गए हैं, बट जैसे जैसे इसको हवा लगेगी ये क्रिस्पी होते जाएंगे, ठीक है जी? तो टेंशन मत लीजिएगा, मैं सारे फ्राई कर लेता हूँ और उसके बाद मिलते हैं। ये पालक के सारे पत्ते फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम गैस बंद कर देते हैं और दही का काम शुरू करते हैं। अब इसको रख देंगे साइड में, एक बाउल और छन्नी ले लेंगे, और इस छन्नी में डाल देंगे दही। अब कोई भी चाट देखिए, उसमें जो दही होता है ना, हल्का सा मीठा होता है, इसीलिए हम दही को मीठा करने के लिए पाउडर शुगर डालेंगे प्लस थोड़ा ब्लैक सॉल्ट। अब डालना चाहें तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं। ये स्वीट एंड कर्ड डन है, हमारी हरी चटनी डन है, बस वेट है इसके पकने का, तो इस पे नजर रखते हैं। जैसे ये पक जाएगी हम प्लेटिंग शुरू करेंगे।
तो ये सौंठ की चटनी डन है, पक चुकी है। इसको लगभग 15 से 20 मिनट उबाले देने, स्लो आंच पे ये उबलती रहेगी। अब इसके अंदर ना बहुत ज्यादा गुड़ है, तो आपने क्या करना है, आपने इस स्टेज पे जब ये पतली पतली सी है ना, इसको छोड़ दें और एक बाउल में निकाल दें। जैसे जैसे ये ठंडी होगी वैसे वैसे गाढ़ी होगी, और यूज ठंडी होने के बाद ही करना है। तो चटनी को ठंडे होने के बाद यूज इसलिए करना है क्योंकि एक तो पहली बार चाट कभी गर्म नहीं सर्व होती। टिक्की चाट की अलग बात है, पर चाट की चटनी है ना ठंडी ही सर्व होती है। दूसरी बात, जैसे जैसे गाढ़ी होगी इसका टेक्सचर बहुत प्यारा सा आएगा और थोड़ा थोड़ा ना रंग भी लाइट होता जाएगा। अब इसको ठंडी करने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैंने थोड़ी सी चटनी पहले से बना के रख रखी है, और मेरे घर पे तो सौंठ की चटनी बनी रहती है। अब प्लेटिंग करते हैं, इसको रखते हैं साइड में। प्लेटिंग के लिए एक प्लेटर, उसमें पहले पत्ते डाल लेंगे। अब पत्तों के बाद थोड़ी सी दही, थोड़ी सी हरी चटनी, थोड़ी सी लाल चटनी, थोड़े से किशमिश, काजू क्रश करके डालें, थोड़ा सा चाट मसाला, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेव। वैसे चाट कंप्लीट है, बट मैं एक लेयर पे नहीं रुकता, मैं इसकी बड़ी सी लेयर बनाऊंगा और उसके बाद एंजॉय करूंगा। तो आप जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी। अब आपके पास पालक पत्ता चाट की रेसिपी है, जो बहुत अमेजिंग है, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है और बहुत जल्दी बन जाती है। अगर आपके पास चटनियाँ रेडी हैं तो ये 10-15 मिनट में बन जाएगी, और अगर चटनियाँ रेडी नहीं हैं तो पहले कर लें, क्योंकि चटनियों की रेसिपी भी मैंने आपको दे दी है। तो अब मुझे एक्सक्यूज नहीं चाहिए, मुझे आपसे चाहिए एक वीडियो कि जब आप इंजॉय करेंगे तब आप बोलेंगे वाह क्या स्वाद है, और वो वीडियो आप सोशल मीडिया हैंडल्स पर डालेंगे, हमें टैग करना मत भूलना, हमें भी पता चले कि आप रेसिपीज ट्राई कर रहे हैं।